वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि शीन लीग ने इलेक्शन से 2 साल कबल ही धांधली का रोना शुरू कर दिया। शीन लीग को इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। धांधली का इतना ही खौफ है तो जदीद इलेक्शन के मशीनों की मुखालफत क्यों करते हैं? वज़ीर मुमलिकत इत्तलात तो नशरियात फारूक हबीब ने कहा कि कैंटोनमेंट सिलेक्शन में सिंध KPK और बलोचिस्तान में नून लीग का सफाया हो गया है। शहबाज शरीफ की जमात सुकड़कर एक रीजन की जमात बन चुकी है। 2023 में भी नाकामी और शिकस्त नून लीग का मुकद्दर बनेगी। शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद से पहले अपने भगौड़े भाई को वापस लाएं। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई गई चीनी की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 28,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा चीनी हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स पर 120 रुपये फ़ी किलो में पड़ेगी। यह कीमत हुकूमत की मुकर्रर करदा रिटेल कीमत से 30 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा है। हुकूमत को यह चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 85 रुपये फ़ी किलो फरोख करनी है तो 1 किलो पर 35 रुपये सब्सिडी देना पड़ेगी। ड्यूटी फ्री होने के बावजूद ये अब तक खरीदी गई महंगी तरीन चीनी है। दवाओं के दाम इतने कि सुनकर दम निकल जाए। नुस्खा हफ्ता 10 दिन का, गरीब आदमी का 1 या 2 दिन की दवा खरीदना मुश्किल। गुज़िश्ता 3 साल में 300% तक कीमतें बढ़ चुकीं। एक ही फार्मूले की दवा की मुख्तलिफ कीमतों में फरोख, कोई रोक टोक नहीं। 1 मरीज के लिए इतनी दवाएं क्यों? डॉक्टर्स की तरजीह दवाओं की फरोख्त है या मरीज की सेहत? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने डॉक्टरों की मुबैना मिली भगत से दवाओं की गैर जरूरी फरोख्त का नोटिस ले लिया। वजारत हेल्थ एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से दवाओं की गैर जरूरी फरोख्त रोकने के लिए 21 अक्टूबर तक प्लान मांग लिया। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान ने बताया कि सदर मुमलिकत ने अपनी हिदायत के साथ एक नुस्खा ऐसा भी शेयर किया है जिसमें 21 दवाएँ लिखी गई थी। ड्रैब हुकाम भी मानते हैं कि एक ही नुस्खे में 25 से 30 दवाएँ लिख दी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन की CPAC में शमूलियत गेम चेंजर साबित होगी। मंसूबा कराची को बैन अल-अक़वामी तरक्की याफ्ता पोर्ट शहरों के शाना बशाना ला खड़ा करेगा। माहिगीरों के लिए साहिलों की सफाई और समंदरी हयात के तहफ्फुज़ के लिए इकदाम किए जाएँ। कम लागत के 20,000 घरों की तमीर और सरमायाकारों के लिए मौके पैदा किए जाएँ। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी के मुताबिक मंसूबा 5 से 6 साल में मुकम्मल होगा। 20 से 25,000 खानदानों को मच्छर कॉलोनी से मुंतकिल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची में अर्बन फॉरेस्ट की बुनियाद रख दी। पारसी इंस्टीट्यूट में पौधा लगाया। कहा कराची को हरा भरा और सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची निजी इदारों के इश्तराक से इकदाम कर रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट का क़याम इसी सिलसिले की कड़ी है। जियो न्यूज़ की खबर पर नैप्रा का नोटिस। शहरियों को बिजली के इदारों की तरफ से ओवर बिलिंग पर नैप्रा 30 सितंबर को अवामी समाअत करेगा। सार्फीन समाअत में ऑनलाइन शिरकत कर सकेंगे। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 महीने में कराची, हैदराबाद, सखर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों शहरियों को बिजली के बिल 31 रोज़ के बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। इस तरह बिल ज़्यादा रेट वाले स्लैब से बने और सार्फीन को करोड़ों रुपये का झटका लगाया गया। कोरोना थमा नहीं, डेंगू ने वार तेज़ कर दिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मजीद 32 शहरी डेंगू से मुतासर। पेशावर में डेंगू के केसेस में इजाफा। ज़्यादा मुतासर इलाके दानिशाबाद के शहरियों का स्प्रे कराने का मुतालबा। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 90 केसेस रिपोर्ट। 81 लाहौर में सामने आए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी डेंगू के 300 से ज़्यादा केसेस की तस्दीक हुई। सरगोधा में पसंद की शादी पर मुबैना तौर पर 3 घरों को आग लगा दी गई। पुलिस का कहना है कि जमींदार और उसके बेटों समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाकई के बाद से मुलजमान फरार है, तलाश जारी है। कोयटा में 100 से ज़्यादा निजी क्लिनिकल लेबॉरेटरियों में से आधी से ज़्यादा या तो रजिस्टर्ड नहीं या पैथोलॉजिस्ट के बगैर काम कर रही हैं। तशखीस के नाम पर मरीजों से यौमिया लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। बलूचिस्तान क्लिनिकल लेबॉरेटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी अमलन गैर फ़ाल। शहरियों का अथॉरिटी को फ़ाल बनाने और फीसें कम करने का मुतालबा।
बलोचिस्तान में जाली और गैर मयारी दवाओं की भी खुलेआम फरोख। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज पाकिस्तानी अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी दो रोज़ के लिए मौखर कर दी गई। बताया गया कि उमर शरीफ की सेहत सफ़र के काबिल नहीं, डायलिसिस के दौरान उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। लाहौर में अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता साहब के उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज। सूबाई वजीर साहबजादा सईदुल हसन ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। रूस ने भी तालिबान की तश्कील करदा हुकूमत पर तहफ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में हकीकी नुमाइंदा हुकूमत और दहशतगर्दी के रोकथाम यकीनी बनाने पर काम किया जा रहा है। रूस, अमरीका, चीन और पाकिस्तान राबते में हैं। तालिबान के वादे पूरे कराने के लिए चारों ममालिक काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, अफगान वजीर खारजा की यकीन दहानी। अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि ना तसादुम चाहते हैं ना ही उसमें पहल करेंगे। अफगान अवाम से दोस्ती के लिए कोई एक कदम बढ़ाए तो हम दो कदम बढ़ाते हैं। तालिबान पर अभी इम्तहान आएंगे, ऐसे हालात बनाएंगे कि कोई मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। निज़ाम में मुश्किलात हैं लेकिन उसका महवर अवाम की फलाह है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के हक़ का दिफा करे। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास की साइडलाइन पर लड़कियों की तालीम से मुतालिक मुबाहसे में वीडियो लिंक पर खिताब के दौरान कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ में सबसे अहम उनकी तालीम का हक़ है जो उन्हें मिलना चाहिए। ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी के दौरान ज़िला बांडीपुरा में दो कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में चार फलस्तीनी शहीद कर दिए। मकबूजा इलाकों में हमास के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फलस्तीनियों को कत्ल किया गया। अक़वामे मुत्तहिदा के इजलास में इसराइली नुमाइंदे को क्यूबा की नुमाइंदा ने लाजवाब कर दिया। इसराइल के नुमाइंदे ने हॉलोकॉस्ट के खिलाफ एक मिनट की खामोशी इख्तियार करने की दरख्वास्त की। क्यूबा की नुमाइंदा ने उसे गैर मुतालिका करार दिया और ये भी कहा कि अगर खामोशी इख्तियार करना ही है तो खित्ते में शहीद होने वाले फलस्तीनियों के लिए की जाए। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल टी20 कप के आज के पहले मैच में बलूचिस्तान ने सदरन पंजाब को 7 विकेट से शिकस्त देकर इवेंट में अपनी पहली कामयाबी रजिस्टर करा ली। दूसरे मैच में सेंट्रल पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 43 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान के टॉप रेसलर इनाम भट्ट का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत रोमानिया में होने वाले बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज के आखिरी टूर्नामेंट में मेडल से महरूम कर दिया गया। उन्होंने आजरबाईजान और यूक्रेन के रेसलर्स के दरमियान होने वाली फाइट को भी फिक्स्ड करार दे दिया। वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाक फौज ने कांसी का तमगा जीत लिया। मॉस्को में खेली गई चैंपियनशिप में सिपाही बिलावल जिया ने पाकिस्तान के लिए एजाज हासिल किया। ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में डीएफए चमन और नेम्सफिट फुटबॉल क्लब ने अपने अपने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेनिश फुटबॉल लीग लालीगा में एक्शन से भरपूर मुकाबलों का सिलसिला जारी। ओसासुना ने म्यूरोका को 3-2 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने लेवांटे को 3-0 से मात दी। रियाल सोसिडेड ने एल्चे को 1-0 से हरा कर टेबल पर दूसरी पोजिशन हासिल कर ली। रिया विकानो का नोकेडीस को 3-1 से शिकस्त दे दी। एक्शन से भरपूर लालीगा के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर गुलकार आतिफ असलम के नए गाने की धूम। गाने की वीडियो में माहिरा खान की ग्लैमरस एंट्री, परस्तारों की तवज्जो का मरकज़।